सब्सक्राइब करें डॉक्टर मासूम करीम चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के। हेलो व्यूअर, मैं सर डॉक्टर मासूम करीम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन कैल्केरिया कर्व या कैल्केरिया कर्वोनिकम के बारे में। दोस्तों, कैल्केरिया कर्व कौन सी बीमारी के लिए दिया जाते हैं, कौन सी पेटेंट को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कैल्केरिया कर्व, तो दोस्तों आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कुछ खास बेनिफिट्स जो कि दोस्तों कैल्केरिया कर्व से कुछ ऐसे खास जो ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं या ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कैल्केरिया कर्व के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना इस तरह की हेल्थ रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियो हमेशा डालते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्केरिया कर्व जो होम्योपैथी मेडिसिन आते हैं कौन सी बीमारी के लिए दिया जाते हैं, इसके खास बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, आखिर में बात करेंगे इसकी कीमत और इस मेडिसिन को आपको कैसे लेना है। दोस्तों, सबसे पहले कैल्केरिया कर्व होम्योपैथी मेडिसिन को दिया जाता है अगर आपके दांतों में बहुत ही ज्यादा दर्द बने रहते हैं, जब भी आप ब्रश करते हैं ब्रश के बाद देखते हैं खून निकलते हैं, या कुछ खाना खाने के बाद देखते हैं कि कुछ एप्पल्स वगैरह अगर आप फ्रूट्स वगैरह थोड़ा सा खाते हैं तो उसके कारण अगर आपको जो है खून देखने को मिलते हैं, या आपके दांत जो मशूरे होते हैं या गम्स होते हैं उससे अगर खून निकलते हैं, मुंह से बदबू निकलते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो कैल्केरिया कर्व होम्योपैथी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगले जो बीमारी के लिए हम कैल्केरिया कर्व होम्योपैथी मेडिसिन को देते हैं, अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई भी शिकायत देखने को मिलते हैं, अगर आपके हड्डी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, देखते हैं कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा कमी है, किसी तरह के हड्डियों से संबंधित अगर आपको समस्या देखने को मिलते हैं तो कैल्केरिया कर्व होम्योपैथी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगले जो प्रॉब्लम्स के लिए हम कैल्केरिया कर्व को रिकमेंड करते हैं, अगर आपको ग्लैंड्स या टॉन्सिल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, अगले जो बीमारी के लिए हम कैल्केरिया कर्व होम्योपैथी मेडिसिन को देते हैं, अगर एक पुरुष देखते हैं कि यूरिन करने जाते हैं या लैट्रिन करने जाते हैं तो लैट्रिन के साथ या यूरिन के साथ मैदे की आटा या गेहूं के आटे की तरह सफ़ेद या कुछ सीमेन वगैरह निकलते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर देखने को मिलते हैं तो दोस्तों कैल्केरिया कर्व होम्योपैथी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगले जो बीमारी के लिए हम कैल्केरिया कर्व होम्योपैथी मेडिसिन को देते हैं, अगर एक बच्चे में देखते हैं कि एक्जिमा की शिकायत है, खास करके वो बच्चे जो है थोड़ा सा मोटा है या देखते हैं कि हेल्दी टाइप्स के हैं तो दोस्तों उसके लिए कैल्केरिया कर्व होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगले जो बीमारी के लिए हम कैल्केरिया कर्व होम्योपैथी मेडिसिन को देते हैं, अगर आपके नाकों के अंदर घाव बनते हैं या देखते हैं कि अल्सर की शिकायत देखने को मिलते हैं, आपके नाकों में हमेशा सर्दी जमे हुए रहते हैं, आप नाकों से जो है सांस नहीं ले पाते, इस तरह के अगर दिक्कतें देखने को मिलते हैं तो दोस्तों कैल्केरिया कर्व होम्योपैथी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अगले जो बीमारी के लिए हम कैल्केरिया कर्व होम्योपैथी मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं वही दोस्तों, अगर आपको सर की स्कैल्प पर या सर पर अगर घाव बनते हैं या देखते हैं कि रैशेस निकलते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा खुजली या बास निकलते हैं, इस तरह के अगर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं तो दोस्तों कैल्केरिया कर्व होम्योपैथी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये था कैल्केरिया कर्व की कुछ खास बेनिफिट्स जो कि दोस्तों इन सब प्रॉब्लम्स के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कैल्केरिया कर्व, जो कि और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो कि मैं ट्राई करूंगा कैल्केरिया कर्व के बारे में और भी एक वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, कैल्केरिया कर्व जो है अगर इस प्रॉब्लम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो किस पोर्टेंस में आपको कैल्केरिया कर्व लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप बच्चे को देना चाहते हैं, अगर बच्चे को देखते एक्जिमा की शिकायत है या इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर बच्चे में पाए जाते हैं तो 30 पोटेंसी में दीजिए या 6 CH में दीजिए, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके दीजिए खाने से आधा घंटा पहले। अगर आप बड़े हैं, अगर आप लेना चाहते हैं इस मेडिसिन को कैल्केरिया कर्व 200 में लीजिए, सुबह शाम आप इस मेडिसिन को उपयोग करें खाने से आधा घंटा पहले, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन को लेने के लिए आपको होम्योपैथी मेडिसिन शॉप में इस मेडिसिन को तलाश करना होगा, जो कि दोस्तों सभी बड़े होम्योपैथी मेडिसिन शॉप या ऑनलाइन इस मेडिसिन को आप आसानी से मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश और मस्त रहिए।